अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मेट्रो से उतर रही हूँ। सब ऑफिस जा रही हूँ गाइस, ये देखिए वहाँ से आई हूँ, परसों में जा रही हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे, और जो खैर से नहीं हैं अल्लाह पाक उसको खैर खैरियत नसीब फरमाए और शिफाए कामला, सुकून, सेहत आवता फरमाए। आमीन सुम्मा रब्बुल आलमीन रहमती का यारा मरवाएंगे आप सबके साथ, मेरे माँ बाप और मुझे भी आमीन। देखिएगा इस मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ, जैसे कि मुझे नहीं पता कि आपके साथ होता है ऐसा कि नहीं होता, आई डोंट नो, पर मेरे साथ ऐसा होता है। इसलिए जब मैं थोड़ा अल्लाह से थोड़ा दूर होती हूँ ना, लाइक थोड़ा नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, मतलब पूरी नहीं कर पाती हूँ, 5 वक्त की या 4 वक्त की फॉलो, और कुरान नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फील होता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ दुनिया में अधूरा है, कुछ है जिसके बिना मैं खाली हूँ। सेम लाइक अभी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ऑफिस में होती है ना तो नमाज पूरी तरह नहीं हो पाती, आप समझ सकते हैं, इस वजह से तो मुझे फील होता है, दुख होता है, रोती हूँ, अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह, मैं खुद से नहीं करती, पता नहीं शैतान बहका देता है, लेकिन हम सब ब्लेम शैतान पर भी तो नहीं डाल सकते ना, कुछ गलती वैसे हम खुद भी करते हैं, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है गाइस, तो अल्लाह पाक से तौबा कर लेती हूँ, अल्लाह पाक को मनाती हूँ। हम इतनी नाफरमानी, इतना कुछ करते हैं, फिर भी देखिए ना अल्लाह की ज़ात कभी नहीं छोड़ती, वरना उतने हम गुनहगार हैं, तो हम इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह की रहमत भी हम पे बरसनी नहीं चाहिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह बरसती है। कितने खुशकिस्मत हैं हम, जब सुबह में उठते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ मैसर होती है, उठते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की ज़िंदगी में उसकी खुद की जान, अल्लाह की तरफ से नेमत है वो, अगर वो उसकी हिफाजत से है, सब कुछ सही है, तो फिर तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं मानती हूँ कि इंसान पैसा कमा सकता है अगर जिएगा, लेकिन मर के पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसे से इंसान नहीं है, इंसान से पैसा है, तो इसलिए अपने आप का बहुत ख्याल रखा कीजिए आप लोग। मैं भी अपना ख्याल रखना चाहती हूँ बहुत, बस कभी कभी चूक जाती हूँ ख्याल रखने से, भूल जाती हूँ चीज़ें, केयर नहीं कर पाती अपनी उस तरीके से जैसे करनी चाहिए, जबकि आपको पता है ये जो हमारी हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है,
ये अल्लाह के जाके अगर हमने अपने जिस्म में से एक चीज़ को भी अज़ियत पहुंचाई होगी खुद ने हमने या किसी और से हमें पहुंची होगी, तो उसका भी हिसाब ही हमसे अल्लाह के जाके मतलब अल्लाह पाक को ये बोलेगी। अब सपोज़ दैट हमारे नाखून बहुत बढ़ रहे हैं, हमने उनको नहीं काटे, तो ये काटने हैं हमें, सर में तेल की ज़रूरत होती है तो वो लगाना है, वरना अल्लाह से शिकायत करेगा। तो हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब अल्लाह से देखो, अब ये नमाज नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, सही है, लेकिन जब अल्लाह पाक को मनाते हो ना, तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए मनाने वाली, लाइक आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए, आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि हाँ अल्लाह पाक मान जाएगा और मेरे अंदर मनाने का जज्बा है, मैं मना लूँगा या मना लूँगी से मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते रहो और फिर को सोचो कि अल्लाह है ना मना लेंगे, नहीं। अल्लाह को मनाना बहुत आसान काम है, मैं हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक से इतना रहीम है, हम इतने गुनाह करते हैं, सोचिए 1 माह से 70 गुना ज़्यादा ला तादाद बेशुमार मोहब्बत करता है अल्लाह पाक हमसे। मेरी फ्रेंड जो साथ में रहती है सारा, वो मुझे यही कहती है कि ज़िया अल्लाह पाक छोटे छोटे बच्चों को भी आजमाता है और बड़ों को तो आजमाता है, छोटों को भी, तो मैं उसको यही बोलती हूँ, छोटों को आजमाया जाता है तो इसलिए कि अल्लाह पाक उनकी भी आजमाइश लेता है और हमारी भी। अब सपोज़ दैट मेरे घर में कोई किसी से मेरी लड़ाई हो जाए या किसी के साथ कोई मसला हो जाए, तो मैं अगर अच्छा कर रही हूँ तो मेरी अच्छाई की तरफ से आजमाइश है, वो अगर बुरा कर रहा है उसका बुराई की तरफ से आजमाइश है। हम मोमिन इतने ना खुशकिस्मत हैं, अल्लाह पाक कहता है कि मेरा बंदा अगर आजमाइश में परेशानी में शुक्र करे सब्र करे तो भी उसको मतलब सवाब है, और अगर खुशहाली में वो शुक्र अदा कर रहा है तो भी उसको सवाब है। कितनी बड़ी बात है, देखिए किसी रिलीजन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और आपको पता है, मैं आज आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके हम लड़कियों के लिए। जो लोग कहते हैं ना इस्लाम में इजाज़त नहीं है लड़की के लिए ऐसा है वैसा, नहीं, इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम है लड़कियों के लिए। पता है आपको, अल्लाह पाक ने लड़की को बहुत प्यार पर्दे से बहुत खूबसूरती से बनाया है, तो अल्लाह पाक लड़की के लिए, लोग सोचते हैं ना कि मर्द का ज़्यादा है रुतबा औरत का कम है, ये है, लेकिन औरत का इतना भी कम नहीं है कि उसको पैरों के नीचे रखो, नो, ये बात सबको पता होनी चाहिए। जब अल्लाह पाक माँ बाप को बोल रहा है एक है, तो फिर मतलब इक्वालिटी पे ला रहा है, तो हम तुम कौन होते हैं, वो नीचा है वो बड़ा है, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये सब, ये गलत है, ये हमारी थिंकिंग, हमारी सोच ऐसी है, सोच को बदलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, अल्लाह पाक ने जो बाप है उसको बोल दिया वो जन्नत का दरवाज़ा है, ठीक है, दरवाज़ा, और जो माँ है उसके पैरों के नीचे ही जन्नत बता दी। अब बताइए दरवाज़ा बड़ी चीज़ है कि जन्नत, जन्नत है ना, तो माँ का रुतबा कैसे छोटा हो गया, माँ का रुतबा बड़ा है, बाप का रुतबा बाप की तरह है लेकिन माँ का रुतबा भी माँ की तरह बड़ा है। तो कभी भी ये सोच के कुछ लोग गंदा नेगेटिव हो जाते हैं अल्लाह से, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचा कीजिए आप गाइस, बहुत गलत है ये सब, अल्लाह नाराज़ होता है। जितना अल्लाह ने हमें दिया है ना हमें कोई नहीं दे सकता। चलिए ऑफिस आ गया है मेरा, यही ब्लॉग ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच माई वीडियो।